ये देखो पापा को, ये वहाँ पर ला गए हैं गाय के लिए, गाय बोली बकरी के लिए, सोले हुए ना अंकल है, सोले किसके खड़किया रुक के। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:11 और यहाँ पर चल रही है भूत की स्टोरी और ये बता रहे हैं भूत की स्टोरी अपनी और ये बड़े पापा भी बता रहे हैं यहाँ पे कि भूत को सामने से देखने के बाद आपको कैसे लगा बताओ। मेरे को अच्छा लगा, डर नहीं लगा, रिएक्शन देखो, डर नहीं लगा आपको? कौन सा सन की बात है ये? अभी कितने सन के बाद होगी? 87 रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन इन लोगों की यहाँ पर वाट लग गई है, सोच रहे भूत ना आ जाए सामने से वहाँ से। गाइस क्या कर रहे थे, मैं भी आ रही हूँ साथ में। मेरे से किसी ने कहा मैं भी आ रही हूँ साथ में, लाइट बंद कर दो यार बाइक में जा रहा था, बैठ कार में जा रहा था, ड्राइविंग करके रात 12-1 बजे ऐसे कोई होगा कहते हम भी आते हैं कभी रात के 12 बजे मुझे रहते उसकी आदमी को ठोक दिया देखो गाइस ऐसे सुनते हैं क्या बोला पता है ये को भी नहीं डरता है ना किसी से दूसरा मर गया। गाइस हॉरर स्टोरी चल रही है देखो। अरे हाँ ये वहाँ पर हुआ सात सीलिंग साइड मारुति शोरूम है वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जाता था वहाँ से हुआ और वो निकलता है वहाँ जहाँ सुराड़ी का घर था पहले। यहाँ पर वो क्या था स्कूल एंटर करी सुराड़ी का घर था तेरे बुबू ने कहा बोलना मैं तेरे जाई नाम कोई नहीं बुबली ने कहा ऊपर वो नंदू हाँ उनको कहा होगा वो थोड़ा गुस्से वाला हुआ ना उसने कहा क्या बोला उसने बाबू ने कहा इनको हकीकत आ रहे यू भी परस वाली बता बड़े पापा पहले मतलब ऐसी हकीकत बातें होती थी पॉपुलेशन कम थी ना जंगल थे कालका से नीचे आना कालका से नीचे तो बोरा नहीं नीचे बोल मोड़ नहीं वहाँ पर तो देखती ना जैसे लंगड़ा नहीं मिला ना लंगड़ा नहीं मिलाते ऐसे बताते हैं वहाँ फिर अब तो नहीं हो अब तो खत्म है कहानी उसकी वहाँ पर तो बहुत बड़ा होता था आप तो वो सुपरमैन गया था वहाँ वो भी एक्सपीरियंस करा आपने पानी भी गया वहाँ देखा जाएगा मतलब आप क्यों गए थे मजे लेने के लिए मजे लेने के लिए नहीं क्या जो होता है करके जो नहीं आता था तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे तुम तो अब तो बड़े हो गए खिला रखे तब आता था वहाँ तो बारात में गया था मैं कहीं तब देखा मैंने वहाँ सुबह के 7 बजे से और मैं हूँ अपने गाँव में और कल पूजा थी तो पूजा भी हो गई थी तो आज हम लोग जा सो गाइस ये है आज की सुबह देखो मौसम कितना सुंदर हो रहा है ये देखो गाइस वहाँ से निकल के आ रही है धूप ये देखो और ये है हमारे खेत गाइस नीचे और वो देखो डॉलर सो रखे हैं वहाँ पे वो डॉलर वो देखो गाइस वो देखो ऐसे गांव भी दिख रहे हो कुछ कुछ घर दिख रहे हैं यहाँ से और मम्मी लोग भी सब लोग उठ चुके हैं तो अभी देखते हैं कैसा होता है आज फिर मिलते हैं आपसे गाइस और इस पेड़ में ना आम भी लगे हैं इस बार देखो आम गाइस और ये
तुम्हारे पास अगर लीची का पेड़ तो देखो इसमें कितनी सारी लीचियां लगी हैं। भाई सुबह के बज रहे हैं 7 और हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, चाची लोग नहा नहीं पा रहे, तो सोच रहे हैं क्या करें। क्या करोगे अब? कैसे करें, नौला जाना पड़ेगा नहाने के लिए, इतना दूर है, जाना पड़ेगा मजबूरी, पानी नहीं है गाइस। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं टंकी से ही पानी से नहा लूं, उसमें घड़ियाल था कल, अभी मेरी लाटी भी इसके साथ में ना भी नहाने, घर जाना पड़ेगा नहाने के लिए। देखते हैं किसके घर जाऊँ, तो गाइस पहले तो ये घर इतना अच्छा होता था ना जब तक बुआ थी यहाँ पे। नॉल में जाए, नॉल में गाइस ये आमा है, आमा पानी छुपे भी देती है थोड़ा बहुत है करके। गाइस ये है हमारा लीची का पेड़ जो कि बड़े पापा ने लगाया था, देखो इसमें बहुत सारी लीची लगी। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपने नीचे वाले घर में और अभी नहा धो के हो गए रेडी, और क्या मतलब पूजा तो और पूजा अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो इसीलिए हम लोग आज शाम को घर को जाएंगे। तो अभी जाते हैं सीधे नीचे नीचे वाले घर में, पुराने घर में, तो चलते हैं गाइस। ये देखो पहाड़ी रास्ता, देखो गाइस कैसा है यहाँ का रास्ता। पहले हमारे खेत थे, यहाँ बोते थे हम लोग, बट अब नहीं बोया करते क्योंकि अब हमारे नहीं बो पाती है, ये खेत सारे हमारे ही हैं गाइस। देखो हमारे चचा लोग के हैं, इनने करी है यहाँ पे सूरजमुखी की खेती, सनफ्लावर दिखाती हूँ आपको, ये रहा गाइस सनफ्लावर, ये देखो तो ये सनफ्लावर गाइस, देखो तो बहुत ज़्यादा तेज लग रखी है। सो गाइस हमारे गांव में ना रोड भी बन चुकी है, देखो यहाँ पर तक रोड आ चुकी है, पर हमारा घर वहाँ मैं जा रही हूँ नीचे वाले घर में अकेले, लगी हूँ रास्ते। सो गाइस ये हूँ मैं, तो चलते हैं नीचे वाले घर में, फिर आपसे मिलते हैं। ओ तो गाइस मेरे मामा जी जा रहे हैं आज, देखो छोटे हैं रिश्ते में बड़े हैं भाई, भाई कब आओगे तुम? तो गाइस अभी पहुंची मैं नीचे वाले घर में, बुआ जी भी आई है, देखो यहाँ ओ इल्लू बैठी खिड़की में, ये मिर्च के पौधे हैं ना, मिर्च और बैगन के, मैंने कहा एक बार चले जाती हूँ कंटेंट भी चाहिए था। सो गाइस अभी पहुंची मैं नीचे वाले घर में, और ये फूल जोड़ के लाई देगी कितना सुंदर लग रहा ना। ये गाँव है डांगटी, देखो और जो सामने पे दिख रहे हैं ना वो अस्कोट है, ये देखो गाइस। अच्छा गाइस अभी जा रही मैं नाले में, बुआ जी लोग गए क्योंकि वहाँ, तो नाले में जाते हैं, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ यार, कपड़े धोने गए मैं अभी जा रही हूँ। और यह देवी का मंदिर यहाँ पे, तो जाते हैं नौले में, आंटी है कोई कोई वहाँ पे पानी को कर रहा है, ये देखो कैसा होता है नौला, पानी का स्रोत होता है इसके अंदर, ये हमारे गांव का नौला और इसके अंदर ना पानी का स्रोत होता है, वो देखो पूरा अंदर पानी पानी है उसमें। ये गाइस जूम करके दिखाते हैं, देखो अंदर ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर, और ये रहा नौला, ये गांव है हमारा, ये है आंवले का पेड़ और ऐसी लोकेशन पे बना हुआ है नौला, इसमें ना ठंडा पानी होता है ना, अभी पीऊंगी मैं, दिखाऊंगी आपको अभी। ये
गांव जाके गाय पालूंगी, दूध निकालूंगी। जबकि जिया जी मेरे पहले इंडियन आर्मी से रिटायर है, अब इंडियन पुलिस में, और लोभ देख रहे हो लोगों को। बाबा ऐसा लोभ भी रहा होगा। हमको हजार का बेचोगे? मतलब शिवांगी खा लो, गाय का नाम बताओ। काली। गाय का नाम काली है गाइस। और बकरी का नाम? कलवा। क्यों रखा? कली तो लाए हो, कुछ और नाम रखो इसका। इसका नाम रखो तानिया। ये आम की चटनी की रेसिपी बता रही है, बताओ बुआ जी कैसे बनाते हैं आम की चटनी। में आम को छिला, फिर इसको सिलबट्टे में पीसा, इसमें नमक मिर्च डाला और थोड़ी सी थोड़ा सा मीठा डाला और थोड़ा सरसों का तेल डाला, फिर इसको और मिलाया। कैसी होती है? मस्त चटपटी चटपटी। गाइस मेरी बुआ जी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, खीर भी बहुत टेस्टी बनाती है। जिसको खाना होगा आ जाना बड़कटिया में। सुलेख पे मैंने आम और नमक मिर्च या पिसके लाई है। कैसे रहते थे सारे लोग? आज भी लोग बाहर सोते थे। है खा खा कमरा तो नहीं। जा चुकी हूँ मैं, जा रही हूँ। देखो जो मैं सोचू गाँव के रिश्ते जाते हैं, गाँव के रिश्ते जाते हैं यहाँ से। से जा रही हूँ ऊपर को, वो रहा हमारा गाँव देखो, और यहाँ से जा रही हूँ मैं भी। ये है रास्ता, यहाँ से जल्दी रोड में पहुँच जाऊंगी ना, तभी इस रास्ते जा रही हूँ। देखो रोड, वो वहाँ पे रोड बन गई है हमारी गाँव की। वो देखो ये हमारी गाँव की कच्ची रोड, अब यहाँ से थोड़ा ही होगा मेरा घर, तो फटाफट जाती हूँ।